पता नहीं आज पार्किंग मिलेगी कि नहीं। लो आज तो कमाल हो गया, आते ही पार्किंग मिल गई। कहिए। मैंने कहा आपके ये पैसे बाहर गिरे हैं, फैले हुए हैं, आप इन्हें ले लीजिए। मेरे पैसे? हाँ जी, आपके पैसे। बट मैं तो अभी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला, मेरे कैसे गिर सकते हैं? मुझे नहीं पता, पर मैंने यहाँ देखे सारे पैसे पड़े हुए, मैंने आपको कह दिया शायद आप ही के हैं, आप इन्हें उठा लीजिए। ये भी आप ही के हैं। अरे ओ भाई साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखो ना, ये आदमी ऐसे लेटा हुआ है। क्या हुआ भाई? अरे दिन में पी के सो गया होगा। अरे नहीं यार, पिया नहीं है, इसका तो खून निकल रहा है। अरे खून, चलो चलो चलो। अरे खून, अरे ये तो खून है। क्या हुआ यहाँ? अरे कोई सीआईडी को बुलाओ। दया, इतना खून बाहे, देखें तो सही से हुआ क्या है? इसे तो गोली मार दी भैया किसी ने। कमाल है सर, दिन दाड़े गोली मार दी और किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। भाई आजकल साइलेंसर वाली गन लेकर के घूमते हैं लोग, फिर भी किसी ने देखा कैसे? नहीं, एक बिजनेसमैन को भरी सड़क पर गोली मारी है, या तो बिजनेस में किसी के साथ दुश्मनी होगी इसकी, या फिर पैसे का मामला होगा, या फिर अफेयर अफेयर का चक्कर, लड़की वाला चक्कर। अरे एक बात बताइए, हमारे आने से पहले ही आप लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? सर लगता है किसी ने अजय का ये फोन उठाया, इसमें से ऑफिस का नंबर निकाला और इन्हें यहाँ बुला लिया। अरे नहीं जी नहीं, सर की गाड़ी की चाबी पे ऑफिस का नंबर लिखा हुआ है, हो सकता है किसी ने हमें कॉल कर दिया हो देख के। हेलो कौन? हेलो मैडम, अजय जी का खून हो गया है। क्या? वैसे आप करती क्या है? मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। रो तो ऐसे रही है जैसे अजय की वाइफ, जरूर इसका चक्कर होगा अजय से। अजय से बहुत प्यार करती थी क्या? जी मेरा मतलब है अजय ऑफिस में बहुत पॉपुलर थे क्या? अजय सर से सब बहुत प्यार करते थे, पता नहीं हमारे ऑफिस का क्या होगा। शांतो जी, ये आपके हाथ में ये मेहंदी? मेरी फ्रेंड की दो दिन पहले शादी थी, बस वही लगाई थी। अरे हट जा हट जा, हट जा 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 हट जा। नहीं मैम, आप वहाँ नहीं जा सकते, प्लीज यहीं रुकिए। सर अजय के फोन पे एक लड़की का कॉल आया था, ज्योति नाम है उसका। ज्योति? बुला लो इस ज्योति को। सर कमाल है यार, दिन दाड़े गोली मार दी और किसी ने देखा भी नहीं।
देखा कैसे नहीं साहब, मैंने एक लड़की को देखा। लड़की को देखा? जी हाँ। इतने भीड़ भाड़ में तुमने एक लड़की को देखा? साहब बारिश तो नहीं हो रही थी और ऐसे में एक लड़की एक बड़ा सा छाता लेके आ रही है तो कोई भी देखेगा ना। लड़की बड़ा सा छाता? जी हाँ, पहले तो वो वहाँ खड़ी थी, अपनी गर्दन हिला रही थी। तुमने देखा वो किसको देख के गर्दन हिला रही थी? साहब वो क्या है कि मैं अंदर था ना, तो इतना मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद इस साइड कोई आदमी खड़ा होगा। फिर? वो इस तरफ आ गई कार की तरफ। कार तक आई वो, फिर क्या हुआ? फिर साहब वो इतना बड़ा छाता बीच में आ गया और उसका मुंह छिप गया। तो वो लड़की इनसे बात कर रही थी कि जो मर गए? जी जी। अच्छा, क्या बात कर रही थी, कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? साहब मैं तो दुकान पे था, जितना दिखेगा उतना ही देखूंगा ना, लेकिन साहब मैंने देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीच में एक आदमी आके खड़ा हो गया, उसने डोर के हैंडल पे अपना हाथ रखा। अच्छा, फिर कुछ दिखा नहीं? नहीं साहब, बीच में दो तीन आदमी आके खड़े हो गए ना। ये तो किसी गैंग का काम लगता है। बॉस, आसान के बस हजार हजार के नोट गाड़ी में से गिरे होंगे? नहीं, ये नकली हैं। तो उसी छाते वाली लड़की के होंगे? अरे ये तो वही है सर, ठक ठक गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, हजार हजार के पाँच पाँच सौ के नोट ड्राइवर को दिखाते हैं, बोलते भाई साहब आपके नोट गिर गए हैं। जैसे ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला, चारों दरवाजे खुल जाते हैं, दूसरी तरफ से बैग गायब, लैपटॉप गायब, पर्स गायब। इसका भी कुछ गायब हुआ है क्या? सर हमेशा एक ब्राउन ब्रीफकेस कैरी करते हैं, जिसमें बहुत पैसे होते हैं। नहीं, अंदर तो कोई बैग दिखा? वही हुआ, बैग गायब। एक काम करो, यहाँ आसपास जितनी भी दुकानें हैं देखो, शायद किसी के पास सीसीटीवी कैमरा लगाओ, शायद जो बैग लेकर भागा हो वो दिखाई देगा उसमें। सर अभिजीत, उस दुकान के ऊपर कैमरा है, ठीक है चेक करते हैं। रुको, पीछे। जमीन के अंदर भी छुपा होगा ना, खोद कर निकालेंगे इसको। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। बॉस ये आगे का टायर बस्ट हुआ है। यार मगर सालुंखे गोली से? हाँ, यहाँ लगी गोली, मगर गोली तो अभी भी लाश में फंसी है ना। बस दो गोलियां चली हैं, दो, एक लगी यहाँ टायर पे, दूसरी इस आदमी को। मतलब क्या तीन लोग थे? सर यहाँ पास के दुकान के एक सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी अजय का ब्रीफकेस ले जाते हुए दिखा है सर। किस तरह? सर वो यहाँ से आगे की तरफ गया, मगर सर जब ये ठक ठक गैंग आसानी से काम कर सकता था तो फिर इस अजय को गोली मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, नोट दिखाया, दरवाजा खुल गया, बैग मिल गया। और जहाँ तक मुझे पता है ठक ठक गैंग चोरी करती है मगर खून नहीं करती, चोरी करके फटाफट निकल जाते हैं ये लोग। सर मुझे तो ये चोरी के अलावा कुछ और ही चक्कर लग रहा है। और वो जो सेक्रेटरी थी सर, उसकी आंखें मुझे थोड़ी टेढ़ी दिख रही हैं सर। हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। देखो खूनी शायद यहाँ खड़ा होगा और कोई उसे पहचान ना ले, इसलिए चुपचाप आके खड़ा हो गया, और फिर यहाँ से गोली मारी, एक लगी टायर पे और दूसरी लगी उसकी पीठ पर, और शायद उसने यहाँ कहीं हाथ भी रखा होगा। यार सालुंखे जरूरी है क्या कि उसने यहाँ पे हाथ रखा हो? अरे यार इतनी जल्दी घोड़े पर क्यों सवार हो जाते हो? मैंने कहा शायद रखा होगा, शायद।
हाथ रखा भी था तो क्या डॉक्टर साहब? तो ये कि आप जल्दी से जल्दी इस कार को टो करके फॉरेंसिक लैब भिजवाइए, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया, मैं यहाँ से चलता हूँ। ओके नमस्कार। अजय, अजय, अजय कहाँ है? क्या आप ज्योति हैं? जी, पर अजय कहाँ है? लाश तो ले गए भैया। हौसला रखो बहन, हौसला रखो। क्या क्या मैं आखिरी बार देख सकती हूँ उन्हें? ठीक है। आप कौन है? जी मैं इनका भाई हूँ। और आपका? मैं और अजय कुछ दिनों में शादी करने वाले थे। अच्छा, आपने जोनियारी का नाम सुना है? जी हाँ सर, वो अजय की सेक्रेटरी थी। क्यों? नहीं ऐसे ही, कहीं इसी की वजह से तो नहीं खून हुआ? अभिजीत, कभी भूसे के ढेर में से सुई ढूंढी है? नहीं सर। बस वही समझ लो, सुई ढूंढने का वक्त आ गया। वो आदमी बैग लेकर चलते चलते नहीं गया होगा, जरूर उसके साथ कोई तो होगा। हाँ सर, आगे कहीं पे बाइक स्कूटर लेके खड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, तो फिर वैसे ही वो लोग आगे निकल गए। इस रोड पे आगे तो आगे एक जंक्शन है, वहां से तो चार रास्ते हैं, और उन चार रास्तों से और चार रास्ते निकलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं सर शहर में। भूसे का ढेर नहीं है तो भूसे का पहाड़ हो गया। अभिजी दया, कितने रास्ते होंगे? अभिजी कितने रास्ते होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 और क्या। लेकिन अगर भूसे में से हमें सुई ढूंढनी है तो हमें सब रास्ते चेक करने होंगे। जेडी मार्ग ढूंढो, डीडी मार्ग ढूंढो, सब रास्ते ढूंढो, और फिर रास्तों पर जितने भी दुकानें जिनमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सबकी फुटेज चेक करो, शायद कुछ पता चल सकता है। और तो और, उस छाते वाली लड़की के बारे में भी पता चल सकता है। जो दुकान जो वहां पे बैग वाला आदमी दिखा था, वहां से ये पहली क्रॉसिंग है। ये वो चार सड़क, वो कहीं भी जा सकता है यहां से। अगर उधर से आया, अगर सामने गया तो इधर ही गया होगा। देखते हैं, आगे चल के देखते हैं, कैमरा लगा होगा तो पता चल जाएगा। अरे एक मिनट आइए ना। अरे वाह, ये तो तुम्हारे काम की चीज निकली। अरे सीआईडी के काम के चक्कर में न जाने कितने दिन हो गए जिम गए नहीं। मौका अच्छा है, चलो दर्शन कर लो। देखते हैं यहाँ कौन कौन मसल बना रहा है। ये घर जाता ही नहीं होगा। बॉडी तो दोनों की अच्छी लग रही है, कल से ज्वाइन कर लो, कंसेशन दे दूंगा, 10,000 पर मंथ। बहुत ज्यादा यार, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये सीसीटीवी रिकॉर्डर का। सर, हमें पता चला है कि जोनी आ रही अजय की एक्स गर्लफ्रेंड, और दोनों के ब्रेकअप के बाद वो अजय से बहुत लड़ी। सर ऐसा लगता है कि उसने अजय को आज तक माफ नहीं किया। जूनियरी अजय की पहली गर्लफ्रेंड। और सर ये भी पता चला है कि कुछ दिनों से अजय कोई नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। नई गर्लफ्रेंड? ज्योति?
क्या आप ज्योति हैं? जी। फिर जरूरी ज्योति ही अजय की नई गर्लफ्रेंड है। ये ज्योति अजय से शादी करना चाहती थी। इसमें तो दिख नहीं रहा है, लगता है इधर नहीं आया, वो दूसरे रोड से निकल गया। सर ये आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों चेक कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले एक रॉबरी हुई है और एक मर्डर भी हुआ है। खून हम देख रहे हैं, इस कैमरे में कहीं वो खूनी नजर तो नहीं आता है। अब पता चला सीआईडी वाले कैसे पकड़ते हैं। ये क्या, तारिका एक लड़के के साथ में? इसने किया है मर्डर? नहीं नहीं, वो किसी लड़के के साथ घूम रही है। सर आप इसे अरेस्ट करने वाले हैं क्या? अरे नहीं यार, इसको नहीं, वो ओ ये ठीक नहीं है कैमरा, इसकी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है। अरे चलो यार अभिजीत। अरे एक मिनट अभिजीत, एक्सक्यूज मी। अरे कहाँ घूम रही है ये, कहाँ घूम रही है ये? फुटेज तो देख लो, कमाल है यार, मतलब। अरे अभिजीत यार, अरे लेकिन तारिका किसी काम से आई होगी उस लड़के के साथ। हाँ यार कमाल है, मतलब ठीक है, तारिका जी का केस बाद में देखते हैं, पहले ये वाला केस खत्म करते हैं। इस तरफ देख, बस आ गए। कितना हुआ भैया? आउच, संभाल के संभाल के, यहाँ पर पानी है, देखो देखो। ओके ओके, कितना पानी है बेबी? तेरी बर्थडे के शॉपिंग करने के बाद तो बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? ऑफ कोर्स। व्हाट विल यू हैव? पीटा ब्रेड, हमस, किनोआ एंड फेटा चीज। इतना सब कुछ? ऑफ कोर्स। दैट टेबल? या क्या खाएं? कॉफी से शुरुआत करें? ठीक है। वेटर? कोई वेटर नहीं दिख रहा है। हाँ कहीं होगा। बेबी मैं ये सोच रही थी कि तूने वो जो येलो कलर की ड्रेस ली है ना वो। हाँ हम दो कोल्ड कॉफीज लेंगे, एक मिनरल वाटर, और खाने का ऑर्डर हम बाद में देंगे। बेबी मैं ये सोच रही थी कि तूने वो जो येलो कलर की ड्रेस ली है ना वो। हाँ हम दो कोल्ड कॉफीज लेंगे, एक मिनरल वाटर, और खाने का ऑर्डर हम बाद में देंगे। ये जॉनी आरी किससे मिलने आई है? शायद उसके नए बॉस से। पार्लर है, यहाँ जेंट्स का कुछ काम नहीं। देखिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं, मैं इंस्पेक्टर दया और ये आप। टीवी पे देखा है सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लाइक यू सो मच दया, यू आर सो सॉलिड। आपका कहीं हाथ किसी को पड़ जाए तो वो कभी उठे ही ना। थैंक्स। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं दया सर से एक बार जरूर मिलूंगी। वैसे और भी लोग हैं सीआईडी में, एक से एक नगीने हैं। होंगे, हमने किधर मना किया है, लेकिन दया इज स्पेशल। सर आप आइए ना, बैठिए सर, बैठिए। मैम वो नहीं नहीं, देखिए मैम हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, एक्चुअली हम यहाँ एक काम से आए। काम वाम तो होता रहेगा, एक बार दया सर हाथ में आ गए फिर। यार पता नहीं था कि CID की इतनी वैल्यू है बाहर। CID की नहीं, दया सर की। ये इंस्पेक्टर अभिजीत मेरे सीनियर है, CID इनके वजह से ही चलती। सर
क्या बता, बट यू आर स्पेशल। देखिए ये जो बाहर कैमरा है सीसीटीवी का, उसकी फुटेज हमें चेक करनी है। मैं एक मुजरिम को ढूंढ रहा हूं और ये दया, ये मेरे साथ है। वो हाँ, जरा वो फुटेज दिखाइए प्लीज। वो ठक ठक गैंग यहाँ पे एक कार में लूट मचा के भागी है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो लोग इसी रास्ते से गए हैं कि नहीं। आइए सर, यहाँ पे आइए। देखिए सर। एक्सक्यूज मी, पता कैसे चलेगा कि वो गया कि नहीं? हमें मालूम है उसने क्या पहन रखा है। देखा, इन्हें पता रहता है क्या पहन रखा है। अरे इन्हें तो ये भी पता रहता है कि अंदर क्या पहना है। एक मिनट। क्या हुआ? चीटी ने आटा? जी नहीं, वो चीटी गई है यहाँ से। इसको जरा रिवाइंड करिए। हाँ। स्टॉप। थोड़ा ज़ूम कर। दो लोग हैं। बाप रे, गुंडे ऐसे दिखते हैं? जी हाँ। जिस कार वाले को उन्होंने लूटा है, उसे गोली भी मारी है उन्होंने। सर, जॉन यारी रेस्टोरेंट में किसी आदमी से मिलने गई थी। कौन कौन था वो आदमी? सर, ऐसा आदमी जैसे जॉन यारी से कुछ खास इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। खास इन्फॉर्मेशन? सर ये देखिए। क्या क्या था उस एनवेलप में जो ये आदमी चाहता होगा? एक बार ये एनवेलप हमारे हाथ लग जाए ना, तो मजा आ जाएगा। सर, हेलो, ये तो मुझे पता था तुम दोनों खाली हाथ कभी नहीं आओगे, लेकिन ये मिला कैसे? सर, वही पुराना भेज बदलने का पैंतरा इस्तेमाल किया, जिसके लिए हम सीआईडी ऑफिसर्स मशहूर हैं। बहुत लेट हो गया। चल चल चल, लेट्स गो। आउच, मेरा बैग। क्या कर रहे हैं आप? मैम, आई एम वेरी सॉरी, मैं उठा के देता हूँ अभी। आप देखो, जगह लेस बांधने की। ये लीजिए मैम, वो बैग्स भी प्लीज। मैं उठा रहा हूँ मैम, प्लीज। ये लीजिए मैम। थैंक यू। वेलकम। ये है ये सारा चक्कर? हाँ सर, लगता है अजय ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। हाँ, और जूनियरी को पता भी चल गया होगा। और सर, शायद ब्रेकअप के बाद जूनियरी इस अजय पर नजर रखती थी। वो रेस्टोरेंट वाला आदमी उसी ने जूनियरी को इस अजय के पीछे लगाया होगा। सर, मगर ज्योति तो कह रही थी कि अजय और उसकी शादी होने वाली थी। सर, इसका मतलब अजय ने जूनियरी के साथ ब्रेकअप किया, ज्योति से शादी करने का वादा किया और शादी किसी तीसरी लड़की से कर ली। लगता ही अजय हर डाले के पंछी का शिकार करता था। और सर, शायद सारे पंछी एक साथ बगावत पर उतर आए। इस रेस्टोरेंट वाले आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी। Thank you.
नहीं दया, इस तरफ के किसी भी दुकान के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। इस तरफ भी नहीं गए? इसका मतलब यहाँ से आके गए नहीं दया, यहाँ कहीं पीछे रुके हुए हैं। पर अभिजीत, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो यही है, मतलब यहीं से जाएगा वो। हाँ, कब तक छुप के रहेंगे? धंधा करना है तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा इनको। एक काम करते हैं, यहीं पे डेरा जमा लेते हैं। ठीक है। आप जी? सर, हम लोग बीएम रोड पे पहुंच गए हैं। बीएम रोड? सर, यहाँ की सारी दुकानों का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े, तो इसका एक ही मतलब है अभिजीत, वो वहीं पर रहते हैं, उसी एरिया में। हाँ सर, लगता तो यही है, इनका अड्डा यहीं कहीं पे है। वो मिलेंगे भी वहीं पर। सर, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, यहीं जमे हुए हैं, जब तक पकड़ेंगे नहीं निकलेंगे नहीं हम लोग। ये सफर जो इस एसजे रोड से शुरू हुआ, खत्म होगा बीएम रोड पर। सर, दया सर और अभिजीत सर ने तकरीबन पूरे शहर का चक्कर काटा है उन्हें ढूंढने के लिए। यही तो हमारा काम है पूर्वी, पर आज तक कोई भी मुजरिम हमारे चंगुल से निकल नहीं पाया। मुजरिम चाहे कितना भी दूर भागे, लेकिन हम तो उसे ढूंढ ही लेते हैं।
बट सब सब मैं नहीं था सर, सब मैं नहीं था, सब सब। तो ये धंधा करता है, भोली वाली जनता को लूटता है। सॉरी साहब, सॉरी, पापी पेट के लिए करना पड़ता है साहब। पेट के लिए पाप करेगा, दिन में लोगों को लूटते हो? नहीं साहब। फिर खून करते हो? क्यों मारा अजय को, क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो सुबह 9 बजे निकलता हूँ और 10-12 गाड़ियों को लूट कर घर वापस लौट जाता हूँ साहब। तो एसजे मार्ग पे उस गाड़ी में जो खून हुआ उसका क्या है? पैसे भी लूट लिए और आदमी को भी मार दिया। खून नहीं किया साहब, ये याद है सर, उस दिन रागनी उस ड्राइवर से बात कर रही थी और मैं अगले सीट से बैग लेकर निकल गया साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। रागनी, वो छाते वाली लड़की रागनी थी जिसने गोली मारी, या फिर उसने खूनी को देखा होगा? रागिनी कहाँ मिलेगी? तारिका, इस स्टीयरिंग व्हील पर तो अजय की उंगलियों के निशान होंगे। एक काम करते हैं, गाड़ी पर बाकी जो उंगलियों के निशान मिले हैं उन्हें इस फिंगरप्रिंट के साथ मैच करके देखते हैं वो भी अजय के हैं या नहीं। सर, उस वैभव ने तो कहा था कि वो छाते वाली लड़की यहीं कहीं दिखेगी। मिल गई छाते वाली, वो रही सामने शॉपिंग कर रही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, छाता अपने साथ ही रखती है। मैडम ये भी देखो, बहुत बढ़िया ड्रेस है, अभी लेटेस्ट आया है, देखिए। कितने का है ये? मैडम ये 820 का है। 820? हाँ। भैया मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं, चलेगा? सॉरी मैडम, इतनी तो हमारी खरीदारी भी नहीं है। भैया देखो, इसके मैं 500 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं देने वाली हूँ। आपको देना है तो दो, वरना छोड़ो। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, बाद में दे देना। ठीक है, ये लीजिए, इसको पैक कर दीजिए। ओके। हर वक्त पैसे कम पड़ रहे हैं, इस बार इतना बड़ा हाथ मारूंगी, देख लेना कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। सिर्फ कुर्ती? छाता नहीं खरीदोगी? आप कौन? हम वो हैं जिससे तुम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। हम CID से। देखो, आगे मत बढ़ना। मैं तो उसे कह रही थी, आगे मत बढ़ना। सर ये तो हमारे साथ कबड्डी खेल रही है। पीछे हट जाओ, आगे मत बढ़ो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो ये आदमी मरा कैसे? मुझे भी पता ही कैसे मरा। तो सब मुझे नहीं याद कुछ भी। ध्यान से देखो, याद नहीं, मैं याद दिलाऊं? सब मेरा यकीन कीजिए, मैं बस एक मामूली चोर हूँ। मैं किसी का मर्डर, मैं किसी का खून नहीं कर सकती सर। सर, हाँ, उसी सर। हमारा शक सही निकला, इन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था। जिस आदमी ने गोली चलाई उसका चेहरा तो देखा होगा ना? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। सब मैं इतना डर गई थी कि बस मुझे वहां से भागना था। मैंने ना दाएं देखा, ना बाएं, ना राइट, ना लेफ्ट, मैं बस वहां से भाग गई। देखती कैसे, मैडम का छाता भी तो खुला था। याद है सर, मैंने ना उसके जूते देखे थे सर। उसके जूते पे ना कुछ डिजाइन बना हुआ था, कुछ अलग सा ही था सर वो। अच्छा, इसे ब्यूरो ले जाओ, जूतों के स्केच बनवाओ। सर, खूनी के चेहरे से ना सही, इस बार शायद जूतों से पकड़ लेंगे उसे। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ दया, मैंने कहा था ना, गाड़ी टो करके फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, जरूर लाभ होगा। आप क्या पता चला? हमें गाड़ी पर अजय की उंगलियों के निशान के अलावा किसी और की भी उंगलियों के निशान मिले हैं। कहाँ पर? पिछले टायर के ऊपर, बॉडी पर।
और जानते हो वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? आइए आइए, खड़े हो जाइए यहाँ पर। अरे अरे अरे, मगर मुझे यहाँ क्यों लाया हो? अरे मैंने क्या किया है? खड़े हो जाओ यहाँ। मगर सर, मैंने क्या किया है? सब पता चल जाएगा, खड़े हो जाइए। तुम इस रेस्टोरेंट में गई थी, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लास्ट फोर डिजिट्स 8412 हैं। जी। क्यों गई थी रेस्टोरेंट? सर, रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? खाने पीने। खाने पीने नहीं गई थी, किसी से मिलने गई थी, इनसे मिलने। क्यों गई थी रेस्टोरेंट? सर, रेस्टोरेंट में लोग क्यों जाते हैं? खाने पीने। खाने पीने नहीं गई थी, किसी से मिलने गई थी, इनसे मिलने। हाँ हाँ सर, याद आया, मैं रेस्टोरेंट गई थी इनसे मिलने, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त से मिलने गई थी या प्लान बनाने गई थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अजय से प्यार करती थी, और हमारे ब्रेकअप के बाद मैं इस समाज को अजय जैसे धोखेबाज से बचाना चाहती थी, और इन्होंने मुझे उन पर नजर रखने को कहा था। क्यों? अजय पर नजर रखने के लिए क्यों कहा था? बात दरअसल ये है कि अजय ने जिस लड़की से शादी की, मैं उससे प्यार करता था सर, इसलिए मैंने जोनी आरी से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा। इन्हें देखिए, क्या ये सच कह रहा है? क्या तुमसे प्यार करता था? सर मैं नहीं जानती इसे, मुझे नहीं पता ये मुझसे प्यार करता है। तुमने अजय का खून किया है ना? बोलो, बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं, मैंने नहीं लिया। नहीं जान लिया। मैंने जान नहीं ली। और ज्योति, तुम जैसे तुम्हें अजय की शादी का पता चल गया, तुम उसे मारने नहीं है ना? क्या करने जा रही थी ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भैया छोड़िए मुझे, मुझे जाना है, आज मैं उस कमीनी की जान लेकर रहूंगी। ये ज्योति, छोड़ो इसे, होश में आओ। ज्योति, वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं है, छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसको। भैया, मैं उसे भूल नहीं सकती, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज, आप मेरी बहन से कुछ मत कहिए। अजय की मौत के बाद वो वैसे ही बहुत परेशान है, इतने दिनों से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। ठीक है, हम आपकी बहन से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस डिजाइन के जूते जिसने पहन रखे हैं, उससे तो बात कर ही सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, फटाफट बता, तेरे उंगलियों के निशान है हमारे पास। हाँ हाँ, मैंने मारा अजय को। एक नंबर का धोखेबाज इंसान था वो सर, मुझसे मेरी बहन की ये हालत देखी नहीं गई सर, इसलिए उस दिन मैंने अजय का बाइक पर पीछा किया।
अजय ने अचानक से गाड़ी अपनी साइड पर लगा ली, तो उसे देखकर मैंने भी अपनी बाइक पार्क कर दी सर, और तभी मैंने देखा कि अजय किसी और लड़की से बात कर रहा था। अजय इस लड़की से बात कर रहा था सर। तब मैंने सोचा कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है सर। तभी मैंने अपनी साइलेंसर वाली गन निकाली और मार डाला अजय को। प्रकाश, खून चाहे जज्बाती हो या सोच समझ कर किया, वो जुर्म ही है। किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है, और तुम्हें सजा भी कड़ी से कड़ी होगी, शायद फांसी। तुम ठग ठग गैंग, बहुत ठग लिया। भोले वाले लोगों को तुम्हारे जुर्म का भी अंजाम होगा, पर वो होगा सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.